हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोलीज किचन में। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट बर्फी, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है और घर के ही सामान से बन जाती है। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क डालेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने कोको पाउडर और मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर 200 ml कंडेंस्ड मिल्क लिया, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर और मिल्क का मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम गैस ऑन करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम हम एकदम लो पे रखेंगे और जो हमारा ये कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर और मिल्क का मिक्सचर है उसे हम 1 मिनट तक इस पे हीट कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेगा, वरना जो हमारा मिक्सचर है वो नीचे से लगने लगेगा। इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क डाला है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। और अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बटर लिया हुआ है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे वापस से हम मिक्स करेंगे। तो अब 1 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है और जो हमारा जो बटर है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप ये बिस्किट का चूरा लिया हुआ है। ये मैंने, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मेरे पास जो घर में था बिस्किट मैंने उसी को मिक्सी में पीस लिया है, बारीक पाउडर बना लिया और अब हम उसे इसमें डालेंगे और हम इसे लगातार हिलाते हुए से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो मिक्सचर है उसमें कोई लम्स ना बने। फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है। देखिए, अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे ऐसे ही। देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो ठीक हो रहा है। ऐसे कुक करने में हमें इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे और जब ये थोड़ा साइड से छोड़ने लगेगा तो हम अपने जो गैस की फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। देखिए, हमारा मिक्सचर काफी गाढ़ा हो गया और अब ये साइड से छोड़ने लगा है। तो जब हमारा मिक्सचर है वो सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टिल लिया हुआ है, तो इसे मैं थोड़ा सा बटर से पहले ग्रीस कर लूंगी। इसे जब हम अपनी बर्फी जब सेट हो जाएगी निकालेंगे तो बहुत ही आराम से निकल जाएगी। तो मैंने बटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और अब हमारा जो बर्फी का मिक्सचर है वो हम इसमें डालेंगे। तो देखिए, बर्फी के मिक्सचर को मैंने इसमें डाल दिया और हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सी मेल्टेड हुए चॉकलेट लिए हैं, तो वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फैला देंगे इसके ऊपर अच्छे से ताकि ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो ये देखिए, जो चॉकलेट था हमारा उसे मैंने इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं, मैंने थोड़े से यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया और हम क्या करेंगे कि हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये फ्रेंड्स, हमारी जो बर्फी है वो अब सेट हो गई है, तो आइए हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चॉकलेट बर्फी है वो बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।